दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड हमें कैसे मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप भी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। जैसा कि दोस्तों फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में आपको काफ़ी सारे बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लेते हैं और आप फ्लिपकार्ट मिंत्रा पे शॉपिंग करते हैं तो आपको हर शॉपिंग पर 5% का डिस्काउंट मिल जाता है। और साथ ही दोस्तों आप जब इस कार्ड को एक्टिवेट करेंगे तो आपको 1100 रुपये का वेलकम बोनस मिलेगा और साथ ही आपको 1000 का फ्लिपकार्ट शॉपिंग वाउचर भी मिल जाता है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा, लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है और कैसे आप इस कार्ड को ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अब दोस्तों फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आप अपने फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन करेंगे। आप फ्लिपकार्ट ऐप में लॉग इन हो जाएंगे। तो जैसे आप फ्लिपकार्ट ऐप में लॉग इन हो जाएंगे तो कुछ इस प्रकार आपके सामने डैशबोर्ड शो होगा। ऊपर आपको डैशबोर्ड पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रेडिट का, आप क्रेडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों आप क्रेडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का। तो सिंपल आप यहाँ पे अप्लाई नाउ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों आप अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपके सामने अप्लाई पेज शो हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो टाइप का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है, एक क्रेडिट कार्ड है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड और एक है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक सुपर इलाइट कार्ड। तो आप दोनों में से एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, दोनों का ही फीचर और बेनिफिट अलग अलग है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों का अप्लाई प्रोसेस सेम है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ और हम यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को ही अप्लाई करेंगे। तो सिंपल अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर कार्ड के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप नो मोर पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे आप अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कुछ सेकंड आप वेट करेंगे, अब आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में आपको अपना कंप्लीट डिटेल फिल करने होंगे, जैसे कि सबसे पहले आप अपना पैन नंबर डालेंगे, इसके बाद आप अपना फुल नेम डालेंगे, आपका नेम जो पैन कार्ड में दिया हुआ है वहीं सेम स्पेलिंग के साथ डालेंगे। इसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो आपके पैन कार्ड में दिया हुआ है, इसके बाद आप अपना फादर फुल नेम डालेंगे, मदर फुल नेम डालेंगे, देन इसके बाद आप यहाँ पे अपना जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप अपना एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करेंगे, देन इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही दोस्तों आप अपना डिटेल फिल करके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब आप आ जाएंगे सेकंड स्टेप में। अब आपको सेकंड स्टेप में अपना ऑक्यूपेशन टाइप सेलेक्ट करना है कि आप क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन टाइप में दो ऑप्शन मिला, एक सैलरीड का और एक सेल्फ एम्प्लॉयड का। दोस्तों अगर आप कहीं जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं तो आप सैलरीड को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप अपना काम करते हैं खुद का बिजनेस करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पे जिनका क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो जैसे आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करते हैं, अब यहाँ पे पूछा गया है नेम ऑफ बिजनेस, तो आप जो बिजनेस करते हैं उस बिजनेस का नेम यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप ऑनरशिप टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सोल प्रोप्रिएटरशिप, इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है प्राइवेट लिमिटेड, इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है पार्टनरशिप। तो दोस्तों अगर आपका अपना दुकान है, आपका अपना खुद का बिजनेस है, कोई पार्टनरशिप नहीं, तो आप पहला ऑप्शन को चूज करेंगे। अगर आप किसी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हुए हैं तो प्राइवेट लिमिटेड सेलेक्ट करेंगे। अगर पार्टनरशिप में आप बिजनेस को करते हैं तो आप पार्टनरशिप सेलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है नेचर ऑफ बिजनेस, तो आपका बिजनेस का नेचर क्या है, आप क्या सर्विस देते हैं। तो जैसे कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, प्रोफेशनल सर्विस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपना बिजनेस नेचर को सिलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों बिजनेस नेचर को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना एनुअल इनकम डाल देना है कि आप एक साल में कितना इनकम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपको इनकम डालना है दोस्तों वो आपको 2 लाख से ज़्यादा डालना है। अगर आपका 2 लाख से ज़्यादा सालाना इनकम होता है तो ही आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड मिलेगा। अगर 2 लाख से आपका कम इनकम होता है तो आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे दोस्तों जिनका क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उनका सालाना इनकम 3,70,000 है, तो हम यहाँ पे डाल दिए हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अब जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे ईमेल आईडी शो हो जाएगा, अगर आपका ईमेल आईडी पहले से फिल किया हुआ है फ्लिपकार्ट में, और अगर फिल नहीं है तो आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर शो हो जाएगा जिस मोबाइल नंबर से आप लॉगिन हुए हैं, देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप अपना करंट एड्रेस फिल करेंगे, इसके बाद आप अपना रेसिडेंस टाइप सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप अपना वर्क एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया वेयर डू यू वांट योर कार्ड टू बी डिलीवर्ड, तो आपका जो कार्ड डिलीवर होगा वो आप किस एड्रेस पे लेना चाहते हैं, जो आपका करंट रेसिडेंट एड्रेस है उस एड्रेस पर आप लेना चाहते हैं या फिर जो आप वर्क एड्रेस फिल किए हैं उस एड्रेस पर आप लेना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप सारा डिटेल फिल करके नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अब आपके सामने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का जो टर्म और कंडीशन है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, इसके बाद आप टर्म और कंडीशन के चेकबॉक्स पर टिक मार्क लगाएंगे और सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है, देन इसके बाद आप वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना है, देख सकते हैं। अब दोस्तों आपका जो डिटेल है वो यहाँ पे बैंक को सेंड किया जा रहा है, आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जैसे आपका डिटेल यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है, तो देख सकते हैं अब यहाँ पे बताया गया है योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड। अब दोस्तों आपको कार्ड को लेने के लिए यहाँ पे आपको वीडियो को वैसे कंप्लीट करना होगा, तो यहाँ पे वीडियो को वैसे कंप्लीट करने के लिए आप प्रोसीड विद वीडियो को वैसे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
अब जैसे आप प्रोसीड टू वीडियो केवाईसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि वीडियो केवाईसी करने से पहले आपको ये सब कुछ रेडी रखना है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कीप योर ओरिजिनल पैन कार्ड रेडी, आप अपने हाथ में ओरिजिनल पैन कार्ड रखेंगे। इसके बाद बताया गया यू हैव योर आधार नंबर अवेलेबल विथ यू, तो आपको अपने पास आधार कार्ड भी रखना है। इसके बाद आप अपना मोबाइल का लोकेशन ऑन रखेंगे। तो सब कुछ दोस्तों अगर आपके पास रेडी है तो सिंपल आप प्रोसीड विद वीडियो केवाईसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप प्रोसीड विद वीडियो केवाईसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बैंक के पेज पे रिडायरेक्ट करेगा जहां पे आपको केवाईसी कंप्लीट करना है। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपका वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा और जो भी एक्सिस बैंक के एजेंट है वो आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट करेंगे। तो आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड आधार कार्ड हाथ में रखना है, वे आपसे कुछ डिटेल पूछेंगे, आपको कैमरा के सामने अपने आधार कार्ड पैन कार्ड को शो करना है। अब जैसे ही दोस्तों आप अपना केवाईसी को कंप्लीट कर लेते हैं आपको कुछ ही घंटे के अंदर एक रिस्पॉन्स मैसेज मिल जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल अप्रूव्ड हो चुका है और आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस करके दिखा दी है।